राहुल वैद्य पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या राहुल वैद्य फैंस इस बात को भूल पाएंगे कभी? क्या है पूरी खबर, हम टीवी धमाका पर आपको बताने जा रहे हैं। टीवी धमाका लगातार आपको बिग बॉस की कई धमाकेदार खबरें बताता रहता है, इसीलिए अगर आपको बिग बॉस के सारे अपडेट्स चाहिए तो आप टीवी धमाका जरूर सब्सक्राइब करें। रुबीना दिलेख राहुल वैद्य को पसंद नहीं करती, लेकिन आज उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी तारीफ आप भी किए बिना नहीं रह सकेंगे। बिग बॉस के घर में रुबीना दिलेख खाने के लिए मैगी बना रही थी, साथ में उनके निकी तंबोली भी थी। ऐसे में जब मैगी बन रही थी तब राहुल वैद्य किचन में आए और उन्होंने निक्की से मांग की कि थोड़ी सी मुझे भी दे देना। निक्की ने साफ इनकार कर दिया कि बहुत कम है, हम नहीं दे पाएंगे, जिस पर रुबीना ने राहुल के जाने के बाद निक्की को फटकार लगाई। उन्होंने साफ साफ कहा कि कभी भी खाने के लिए मना नहीं करते, जा थोड़ी सी उसे देकर आ, उसे गुस्सा आ जाएगा, कोई भी इंसान भूखा हो तब उसको मना नहीं करते। तो रुबीना ने अपनी मैगी में से थोड़ी सी निकालकर निक्की को कहा कि जा राहुल को देकर आ, मैं जाऊंगी तो वो नहीं लेगा, लेकिन किसी को भूखा मत रख। रुबीना शुरू से ये बात मानती है कि खाने को लेकर घर में झगड़े नहीं होने चाहिए और इसीलिए उन्होंने इस तरह से एक ऐसा गेस्चर दिखाया है जिसको देखकर राहुल वैद्य फैंस भी खुश हो जाएंगे। वहीं राहुल वैद्य भी ये बात देखकर काफी खुश हुए कि जहां पहले निक्की इनकार कर रही थी वहीं उनके लिए खाना लेकर आई। हालांकि निक्की ने ये नहीं बताया कि रुबीना के कहने पर लाई हूँ। यहाँ पर निक्की ने अपने नंबर राहुल के सामने बढ़ा लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा।